अभी तक मान लें इस घटना का 16-17 दिन होने जा रहा है, प्रशासन एक ही लाइनर को ही पकड़ी है, कोई हथियार अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। अब 47 से गोली चलना छोटी बात नहीं है और हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जल्दी हथियार की बरामदी हो, जो भी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और हमारा सुरक्षा, हमको सुरक्षा दिया जाए। कहे कि हमको भी खतरा बना हुआ है, लोगों का टारगेट है कि किसी की तरह रईस खान को मार देना है। रही बात कि अभी आप लोग के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमको यही पता चला कि एक लाइनर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जो हम FIR कराए हैं उसमें 4-5 आदमी का वो नाम हम बताया है कि ये लोग थे। हमारा FIR में हम जितने आदमी पे FIR किए हैं वो परफेक्ट है, सारे लोग इसमें हैं। और प्रशासन अपनी जो भूमिका जो सुस्त चाहे धीरे से जो कर रही है, अपना काम कर रही है और हमको प्रशासन पर भरोसा है कि बहुत जल्द सारे लोग गिरफ्तारी के साथ साथ, और हम प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि जो 47 से गोली चली है, जो लेके ये लोग घूम रहे हैं, अभी तक ये जब्त नहीं हुआ है, अभी तक ये लोग पकड़ाए नहीं है, उस पर जितना जल्द हो कार्रवाई किया जाए। कहा कि इससे हमको भी खतरा बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों का टारगेट है, कहीं ना कहीं लोग सोच रखा है कि जब हम लोग का नाम आएंगे, हम लोग फंस गए तो किसी तरह रईस खान को टारगेट कर ले। ऐसी सूचना थी कि 4 से 5 47 से आपके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी 47 को पुलिस बरामद नहीं कर सकती। प्रशासन इस पर अपनी कार्रवाई कर रही है, हमको प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर भरोसा है और जिस दिशा में प्रशासन अपनी काम कर रही है, लगभग प्रशासन सच्चाई की तरफ जा चुकी है और जितना जल्दी हो सके तो गिरफ्तारी होगी, अरेस्ट होगी और सामान भी बरामद होगा, इसमें कोई बसने नहीं जा रहे। क्या लग रहा है कि 47 बरामद नहीं हुआ है, इससे आपका खतरा और बड़ा हुआ है, क्योंकि 47 बहुत बड़ी अत्याधुनिक हथियार है और उससे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा सकती है, आपका खतरा क्यों बना हुआ? देखिए तो मालिक का कर्म है कि हम आपके बीच में है, नहीं तो उन्होंने अपने स्तर से तो हमको मार ही दिया था और इस हथियार से फायरिंग के बाद कोई बचता नहीं है, मगर खुदा बचा रखा है। और प्रशासन इसमें और जितना एक्टिव होकर काम करे, कहीं ना कहीं उन लोगों का एक फिर मिशन है कि रईस खान पर अटैक करें, दोबारा अटैक का उन लोगों का मिशन है और कोई सुरक्षा व्यवस्था मेरे पास है नहीं। प्रशासन को प्लस गृह सचिव को, मुख्य सचिव को, DGP साहब को, मुख्यमंत्री जी के पास मैंने अपने सुरक्षा के लिए भेजे हैं, यहाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षी अध्यक्ष महोदय को, SP साहब को भी दिए हैं। देखिए ये लोग गिरफ्तारी हुआ है, उसमें उसका बयान सामने आया है कि उसामा साहब इस घटना में संलिप्त नहीं है, आपके वर्चस्व को जो बढ़ रहा है उसको लेकर उन लोगों में जलन थी, जमीन का कुछ मामला रहा है। देखिए ये जमीन उमीन का कोई मामला नहीं है, राजनीतिक मामला है। रही बात हमारा जो भी FIR है वो सत्य है, इसमें सारे लोगों की भूमिका है, उसमें कोई बचने नहीं जा रहे हैं। अभी तक जो लाइनर है, जो लाइनर नाम दिया साबिर मियाँ का, अवतार मियाँ का, आजाद का, आशिफ का, ये सब लोग कौन है? सब उसामा के शागिर्द हैं, 24 घंटा उसामा के साथ रहने वाले लोग हैं और इसमें कोई बचने नहीं जा रही है। प्रशासन अपने काम को कर रही है अच्छी ढंग से, देर है मगर दुरुस्त आएगा। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हमारा मांग है कि इस केस का जल्दी निपटारा हो, जल्दी इसका सॉल्यूशन निकले और हमारा जो सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। कहा कि इन लोगों का एक सेकेंड मिशन है कि रईस खान को किसी तरह मार दिया जाए और हम प्रशासन से यही कहेंगे, अभी तक हमको कोई सुरक्षा नहीं मिला है। वो काफी अत्याधुनिक हथियार है, 5 हथियार से फायरिंग की बातें सामने है, लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी हथियार पुलिस को बरामद नहीं हो सका है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो पुलिस इसमें प्रयास कर रही है, पुलिस का काम अनुसंधान करना है, पुलिस अनुसंधान कर रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी होगी और जो
हथियार का इस्तेमाल किया है उसकी भी बरामदगी होगी। सर प्राइमरी लाइट में क्या ये अनुमान है कि AK-47 से सारी फायरिंग थी? नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें जो हम लोगों को पीओ पर जो खोखा मिला था उसका जांच हम लोग करवा रहे हैं। जांच करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि इसमें किस हथियार का इस्तेमाल किया गया। कितने लोगों की सर गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक? अभी इसमें जो घटना में संलिप्त एक व्यक्ति